हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। और मैं हूँ सुनीता, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, DIYs, किड्स रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज, रीयूज प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों के फेवरेट हैं, इजी एंड कुकिंग में जो फास्ट होती हैं ऐसी रेसिपीज, इन शॉर्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न वुमेंस लाइफ। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट किसी एक चैनल पे देखना पर इंटरेस्टेड हो थोड़े भी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है एक अनदर रीयूज प्रोजेक्ट आइडिया से रिलेटेड वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, यानी जैसे मेरी बेटियाँ हैं 6 साल की हैं, तो उनसे जो छोटे वाले जो उन्होंने कपड़े अपने रिटायर कर दिए हैं, जो उनको अब नहीं आ रहे हैं, उन फ्रॉक्स को रीयूज करके मैंने किस किस तरह से किस किस चीज़ में यूज़ किया है और जो नहीं किया वो भी आप कैसे कर सकते हैं, इन आइडियाज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, एक ये फ्रॉक थी, आप देखिएगा यहाँ पर, इसमें नीचे ये वाला बहुत मतलब ये फ्लेयर है और ऊपर की साइड ये इस तरीके का ये केप था इसमें। तो इसको मैंने क्या किया, इस ब्राउन कलर का ब्लाउज था ये मेरा, आप देख सकते हैं पहले कैसा था फोटो में, और अब मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, इसको डबल वो करके फोल्ड और इसकी एक स्लीव पे सिल दिया। अब इसमें है 2 लेयर, लेकिन एक पे इसलिए सिला है क्योंकि बैक वाले हिस्से में यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी नहीं थी और दूसरे में थी, तो ये वन शोल्डर वाला डिजाइनर सा ये ब्लाउज बन गया। और आप पहले देखिए कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, मतलब पहले भी बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन अब ये टोटली डिफरेंट लग रहा है, और अब ये बेज कलर की साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से आप ये छोटा देखिए, इस तरीके का घेर भी होता है फ्रॉकों का। तो अगर आपकी एक्सट्रीम छोटी स्कर्ट या फिर ये फ्रॉक वेस्ट हुई है तो आप उसका यूज़ इस तरीके से स्लीव्स में कर सकते हैं, तो ये बेल स्लीव बन जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे नहीं आ रहा, इन केस ये आर्म होल पे अगर आपके नहीं आ रहा है पूरा, तो ये देखिए इसकी शेप, तो आप इसको कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर स्लीव्स में, आप स्टार्टिंग में जो यहाँ पे स्लीव चल रही है ना बेल स्लीव्स, आप उसमें भी अटैच कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट आइडिया तो ये हो गया। अगर मैं इसमें ना लगाती एम्ब्रॉयडरी की वजह से, तो मैं इसको कुर्ती के बाजू में भी लगा सकती थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता। तो फर्स्ट आइडिया ये है, ठीक है। और अब दूसरा जो है, एक इनकी फ्रॉक थी सिंपल कॉटन की, और लेकिन उसके कलर्स बड़े अच्छे थे ये, तो उसे मैंने कट करके ये ब्लाउज बनाया है। ये देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है लेकिन पहनने में सुपर गॉर्जियस। इसमें मैंने फ्रिल्स भी बनाई थी, फिलहाल मैंने इसको हटाया हुआ है। और ये मैंने कैसे बनाया है, इससे रिलेटेड पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं लिंक आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल ये ब्लाउज का ये हिस्सा है और जो उसके फ्रिल्स थी उसमें से मैंने ये स्लीव्स निकाल ली इसकी ये कंधे पे, और एक बड़ी फ्रिल बनाई थी वो यहाँ पे लगाई हुई थी, फिलहाल इसमें मैंने हटाई हुई है। तो सेकंड आइडिया हो गया ये। थर्ड जो सबसे कॉमन हम लोग करते हैं स्कर्ट्स के साथ, सॉरी फ्रॉक के साथ, तो फ्रॉक्स के साथ क्या करते हैं कि हम ऊपर वाला बॉडी वाला हिस्सा उसका कट करके उसको बना देते हैं स्कर्ट। तो ये जिसका ये केप था ना ये वाला, इसी के जो नीचे का हिस्सा था, अब ये चोली से नहीं आ रहा था, एक और वीडियो ही मैंने डाली थी उसकी फेवरेट फ्रॉक थी, तो पहले तो मैंने उसको चोली से ही टाइट किया था, लेकिन जब उसके बाद भी अब उसको कुछ महीने बाद नहीं आ रही, तो अब मैंने इसकी ये देखिए स्कर्ट बना दी। अब ये फ्रॉक अच्छी वाली थी तो इसमें देखिए कितनी सारी लेयर्स हैं, तो ये स्कर्ट भी जो बनी है ये जो महंगी वाली स्कर्ट्स आती है ना उस तरीके का लुक्स इसमें बन गया, और यहाँ मैंने ये शो बटन लगा दिया दैट, तो ये एक सुंदर सी स्कर्ट ये बन गई। तो एक ये आइडिया हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने इनकी और फ्रॉक्स थी उनमें से भी स्कर्ट बनाई है, सिर्फ इसमें देखिए कुछ नहीं किया, ऊपर की ये चोली वाला हिस्सा काट दिया, ये लास्टिक इसमें थी, और ये पूरा ये देखिए ये कितनी सुंदर स्कर्ट बन गई। इस तरीके की स्कर्ट ना 250-300 रुपए की मिलती हैं, जबकि ये फ्रॉक मुझे 150 रुपए में सारी मिल गई थी, और इसमें इन्होंने फ्रॉक के तौर पर ही पहना और अब ये स्कर्ट भी बन गई। तो इस तरीके से आप स्कर्ट बना सकते हैं। और एक जो मेरा वन ऑफ फेवरेट मतलब रीयूज फ्रॉक का आप कहिए, ये जो बना है इसमें है कि एक फ्रॉक का था नीचे की फ्रिल्स जो थी वो उसको लंबी आ रही थी, तो वो मैंने कट कर दी और उन फ्रिल्स को मैंने मैचिंग के दुपट्टे के साथ ऐसे लगा दिया ये, और ये मेरा बड़ा खूबसूरत सा रफल दुपट्टा बन गया। ये जो मैंने ब्लाउज से ब्लाउज ये वाला आपके साथ शेयर किया था ना ये वाला,
उसी वाले वीडियो में इसकी मेकिंग मैंने उसमें पूरी डाली हुई है, वैसे कुछ है नहीं। देखिए ये सिर्फ फ्रिल को मैंने डबल फोल्ड करके इसमें सिल दिया है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है दुपट्टा। बिफोर और आफ्टर में इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट रीयूज आइडिया जो मैंने इसमें से बनाए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरीके की कॉटन की बहुत सस्ती सी फ्रॉक होती हैं, मतलब मेरठ में तो बहुत मिलती हैं, अगर आपके सिटी में ही मिलती हो, ये इस तरीके की मिलती हैं। तो जब तक ये पहन रही है, बच्चा पहन रहा है, उसके बाद जब इसमें से ये इलास्टिक सीधी कट करके ये तनिया इसकी निकाल दीजिए, तो ये बिल्कुल एक ऐसे घेरा वाला कपड़ा बनेगा। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए, एक ये बड़ी फ्रॉक थी, तो ये राउंड वाली इसके तकिए का गिलाफ मैंने बना दिया, तकिए का कवर है ना। और एक ऐसे इनकी कॉटन की फ्रॉक्स थी, उसमें से ये छोटे, देखिए कितना सुपर क्यूट से लग रहे हैं, ये तकिया छोटा सा है, जैसे कमर वमर में दिक्कत होती है, तकिया लगाने को मना कर देते हैं, तो उस तरीके की छोटी सी तकिया एक बनाई हुई है, तो उसमें ये इतना क्यूट सा ये कवर चढ़ गया। तो अभी इसका ये नहीं हुआ है, तो इसका भी मैं इन फ्यूचर यही करने वाली हूँ। और जैसे फ्रेंड्स ये है, ये इसकी फ्रॉक है मेरी बेटी की, अब ये देखिए कितनी सुंदर है। तो अभी फिलहाल मैं इसको, आजकल में ही अभी रिटायर हुई है, तो अभी इसका कुछ नहीं किया है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको यहीं से कट कर दें, तो जो एक इसका रीयूज आइडिया ये हो सकता है, जैसे हम लोग अपने अनारकली कुर्ते में से लहंगा चोली नहीं बना लेते, उस तरीके का। तो इसको कमर से कट करके ये देखिए कितना सुंदर इसका घेर है, तो ये अभी इसको ऊंची आने लगी है ना, तो यहाँ पे अगर बेल्ट लगा दें तो ये पूरा एक ऐसे स्कर्ट नुमा हो जाएगी, और ये जो ऊपर का हिस्सा है, अब इसमें पीछे क्या है, इलास्टिक्स हैं, तो ये अभी उसको आ रही है खिंच के, तो इसमें नीचे से आप कट करके हेम कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट वाला लुक बन जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। और इस तरीके के ड्रेस में से आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ये थोड़ी सी यहाँ से निकल रही है, तो ये कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इसको डबल फोल्ड करके इस वाले कपड़े पे सीधा सिल दिया। तो इसी तरीके से आप इस फ्रिल को निकाल भी सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं कट के भी काम आएगी, तो आप इसको जैसे मैंने दुपट्टा बनाया है ना, उस तरीके से आप इसको किसी भी, जैसे ये रेड है, तो रेड दुपट्टे के साथ हम इसे लगा सकते हैं, और ये रफल वाली साड़ी या फिर रफल वाला दुपट्टा इससे रेडी हो जाएगा इजीली। और ये जो सीक्वेंस का वर्क है, इसको भी हम कहीं पैच के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो बेहद खूबसूरत चीजें होती हैं ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो, उनका कुछ भी बने लेकिन बन जाए। अब ये एक और तरीका, हाँ फ्रेंड्स मैं भूल गई बताना, इस वाले घेर में मान लीजिए ये आपको नहीं आ रहा है बच्चे को, और ये आपको बहुत सुंदर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी ऑलरेडी जो वो पहन रही है इस तरीके का कोई टॉप है या कुछ है, तो उस वाले उसके साथ आप अटैच कर दीजिए। जब ये छोटी थी ना, तो उससे पहले मैंने एक बार देखी, ये वाला टॉप था, ये टॉप उसको आता था, और एक ये नीचे उसकी फेवरेट फ्रॉक का ये फ्लेयर था, तो ये उसको बहुत आता था। अभी ये बहुत पुरानी हो गई है, तो मैंने उसका फ्लेयर जो है वो काट के उस फ्रॉक का और इस टॉप के नीचे जोड़ दिया, और अब ये टॉप नहीं रहा, अब ये फ्रॉक बन गई पूरी। तो उसने इसे फिर उसके बाद भी खूब अच्छे से पहना, और अब ये टॉप जैसे अब नहीं आएगा ना, तो अब ये फ्रॉक उसको पूरी छोटी हो गई, नहीं तो आप इस तरीके से भी फ्रॉक का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज थे जो आप अपने बच्चियों की छोटी फ्रॉक्स अगर आपके पास वेस्ट पड़ी हैं तो उनके साथ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इनमें से कोई भी आइडिया आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको बाय नेम जान सकूं। दिया है तो कुछ रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मैं कमेंट के जरिए ही जुड़ी हुई हूं, तो आप लोग भी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या फील करते हैं मेरे वीडियोस के बारे में। तो थैंक यू, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।